so ladies and gentlemen, very warm welcome to module 181. here i am going to discuss about the new knowledge and the economy. what new knowledge refers to? what is new knowledge? is it a new knowledge mean the new ideas, the space, or the jupiter or something like this? no. what is new knowledge? it is what i'm saying is the third party or outsourcing. मिनिमल रिसोर्सेस के साथ मीशत को कैसे चलाना है आपने लॉन्गेस्ट रूट्स कैसे लेने आपने ट्रांसपोर्टेशन को कितना मिनिमाइज करना है आपने बेहतरीन आइडियाज़ को किस तरह देना है आपने एक ही तरह की प्रोडक्ट को सौ तरीकों से किस तरह से देना है आप एक जमाने में चाइना का मजाक किया करते थे लेकिन चाइना एक प्रोडक्ट बनाता था जो कि अमेरिका भी खरीद नहीं पाता था यानी ऐसे ऐसे लेंस और ऐसे ऐसे आइडियाज वो बना चुके थे लेकिन आप लोगों ने उसको जो रेफर किया कि दो नंबर चीजें लेकिन वो दो नंबर चीजें नहीं थी वो बे, बेसिकली आपकी कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट्स थी कॉस्ट एफिशिएंट प्रोडक्ट्स थी वो जहां जहां पर पहुंचे तो मैंने करीब तरीन मुताले में देखा कि मैंने चाइना के कल्चर को देखा उनका हर आदमी खुश है क्योंकि वैसे ही वो चीज़ जो है वो कम प्राइस के अंदर उस अमीर आदमी के पास और गरीब आदमी के पास बराबर है तो दिस इज वॉट द न्यू न्यूनोलॉज आपके इंसान की एक दफ़ा की ज़िंदगी है और इस ज़िंदगी के अंदर उसको खुश रहने का हक है और वो खुश रहने का हक जो है वो उससे खुँ उसे खुद लेना होगा और ये भी मैं आप यहीं पे बता दूं कि आप इसको जो है वो तकदीर के ऊपर नहीं डाल सकते कि आपके ऊपर जो मजालेम हो रहे हैं वो तकदीर की जानब से ख़ुदा न खासा अल्ला ऐसा कुछ नहीं चाहता आपने उस अपनी मीशत को इस्तेमाल करते हुए अपने अपने ट्रेंड्स को बेहतर करना है आप हर वो चीज नहीं लीजिए जो आपको आइडिया देती है और वो उसी में आपको मतलूबा सहूलत देगी अब आगे देखिए द इंपॉर्टेंस ऑफ नॉलेज इंडस्ट्री इन टू कंडक्ट स्टडी नॉलेज प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन बिफोर वर अबाउट द साइंटिफिक नॉलेज इफ एट ऑल इन द फॉर्म ऑफ आर एन डी आपने देखा होगा एक जमाना हमारा गुजर गया रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर और उस रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोडक्ट की एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस तो देखी गई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट देखी गई प्रोडक्ट के अंदर लेबर कितनी लग रही है उसकी मिनिमाइजेशन कितनी है कंपनी को फायदा कितना है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितनी है लेकिन कभी ये ग्रॉस डोमेस्टिक हैप्पीनेस के बारे में नहीं सोचा गया कि आपकी जो है वो ऐसी प्रोडक्ट्स भी होनी चाहिए जो कि मैसेज के अंदर जा रही हो और उनको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कर कम करके आपने मैसेज तक कैसे पहुंचाना है

और हैव एंड हैव नॉट्स के दरमियान जो है ना बड़ी जंग शुरू हो गई आप चंद प्रोडक्ट्स को जो देखते हैं वो कहते हैं कि ये तो प्रोडक्ट अमीर का है गरीब का तो है ही नहीं और एक्चुअल है अब आप देखें कि हमने इसको करना है कैसे मैं यहाँ पर इसलिए डिटेल आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मेरा सब्जेक्ट सिर्फ ये नहीं है कि मैं यू की आपके साथ जो केस स्टडी रख दूंगा मुझे पूरी दुनिया को कवर लेकर चलना है और हम एक नई डायरेक्शन की तरफ जाते हैं और ये जज्बाती जो हमारे यहाँ पर फिर रहे हैं लोग जो फ्रीलांसिंग है तो फ्रीलांसिंग की तरफ चल पड़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन सेटअप को छोड़ देंगे बिहेवियर एटीट्यूड नॉर्म्स इन सारों और एथिकल रियलिटी से वो दूर होते जा रहे हैं और एक हंगामा सब सबाए और आ, अजीब छिचोरगी सी एक आप देखते हैं कि वो चलते चले जा रहे हैं और एवरीबडी बाय ओन एवरीबडी बाय ओन इज गुड बट इतना ज्यादा आप आगे ना जाए कि स्ट्रक्चर भूल जाए आएंगे जी He they introduced the mangest of knowledge as broader concept that include R&D, education, information, communication and prompted keen interest in the knowledge by economist. So this is very much important. dekhen ji economist ka idea hona मस्तल for example मैंने आपको किसी चीज का relief देना है तो मेरे खजाने में कितना बढ़ाओगे? मैंने आपको किसी चीज के incentive देना है तो मैं incentive को लगातार लेके चल सकता हूँ अगर मैंने इस दफा आपका इंसेंटिव लगा दिया फॉर एग्जांपल आपकी तनख्वाह पंद्रह हजार मैंने एक दफ़ा कहा कि आपको पंद्रह हजार के बजाय आप इंसेंटिव लग गया अगले महीने फिर आपको पंद्रह मिले और फिर बारह मिले तो आप डीमोरलाइज होंगे इसका मतलब है आप कंसिस्टेंट नहीं हैं सो फ्री और बहुत सारी इस तरह के बिहेवियर जो इतना आंट्रप्रनोर अपने आप को समझते हैं कि ऐसे ही चल जाएगा ऐसा कुछ नहीं चलता कंसिस्टेंसी स्ट्रक्चर कॉस्ट ह्यूमन रिसोर्स ह्यूमन डेवलपमेंट Human idea, consistency, consistency, persistence. Then it is in including this industry, even in those traditional industries, successful companies are those who have transformed their value chain process by adopting advanced technologies. One, it is very much important to have the advanced technology. Second, redundant hai, Nikal Diji or redundant. Hai, le important baat ye, कि दुनिया जब छोड़ के चली जाती है चीजों को तो आप उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं तो आप नए आइडिया के साथ आए ये ना समझेंगे ये सस्ते में मिल रही है एक जमाने में ये एक चीज बहुत महंगी मिल रही थी तो आप सस्ते में मिल रही है तो आप इसको उठा लीजिए भाई वो ऐसा नहीं हो सकता इसलिए क्योंकि उस वक्त तो एक पूरा नजरिया था आप किसी नजरिए के साथ एक गिरी हुई यानी फेल चीज को भी उठाएंगे तो उठ जाएगी लेकिन नजरिए के बगैर उठाएंगे तो वो रिंडेंट ही रहेगी

और उसमें नासा को कौन सोचता था आईबीएम को कौन सोचता था लेकिन एक सॉफ्टवेयर की बेस ने पूरे स्ट्रक्चर्स को बना दिया इसके हाइब्राइड स्ट्रक्चर्स को देखिए इसकी को देखिए, इसको रेड और येलो में देखिए तो ये सारों का सारा एनालिटिकल देखिए तो सर्विसेज और प्रोडक्शन की पूरी स्पीड को इफेक्टिव एंड एफिशिएंट कर रहा है न्यू नॉलेज एंड द इकॉनमी वर्क्स थैंक यू वेरी मच